फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, कौन सा? के सारे बंधन जुड़ जाते इसमें कुछ रख दीजिए। ठीक है भैया, कोई ईटा मीठा लेके आते हैं, सीटी हो रही कहीं। हेलो 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 हेलो, ये थक थक की आवाज पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। थोड़ा सा देख लो भैया उधर से, इधर गड़बड़ हो रहा है ना, इधर की वापसी सब बिगड़ रही है, सब स्केल ढोलक सब तालमेल बिगड़ रहा है। हेलो हेलो हेलो, ये बढ़िया बोल रहा है, बस ठीक है गीत गा रहा है। रब की कसम सच बोल मेरे मितवा, झूठ बोले जो उसे काट खाये बिछवा। गीत को बहुत जल्दी पूरा करूंगी। फिल्मी गीत करा बिछुआ, झूठ बोले जो उसे काट खाये बिछुआ। और आदरणीय नीलम जी, मैं अपने गीत में एक प्रयोग कर रही हूँ, जैसे वो कह रहे बिछुआ तो वैसा ही प्रयोग मेरा सुनिए। एक समुद्र में बहुत सारा धन माल बड़ा है, चलो आपस में इसका मंथन किया जाए। और देखिए मंथन होने लगा, और उस मंथन में होता क्या है? के प्यार से कहे आही मिस्री बना करे, तो करने लगे मंथन सब जाकर। सारे मंथन कर रहे हैं, और कैसे? के कोई अग्रज को तो मंथन करते देव तनुज। नीलम जी सुनिएगा, के कोई अग्रज कोई अनुज तो मंथन करते देव तनुज। और उस मंथन में के दैत्य गए आगे और देव बने पछुआ। क्या बात है, क्या बात है। सुनिए कैसे कैसे मंदराचल पर्वत को रखा गया, वासुकीनाथ को रसरी बनाकर लपेट दिया गया। और जब मथानी की तरह मथने लगे, तो एक तरफ के कोई अग्रज कोई अनुज और मंथन करते देव कुछ की तरफ है। भगवान ने देखा कि ये मंडराचल पर्वत डूब ना जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, तो उसके भार को रोकने के लिए भगवान ने किया क्या? दैत्य गए आगे और देव बने पछुआ, तो आधार रूपी हरि बने गए पछुआ, के आधार रूपी हरि बन गए। इन पंक्तियों पर 51 मुद्राएं एक बहुत अच्छे कलाकार भैया हमारे अजय अनुरागी जी, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा निवेदन आप लोगों ने स्वीकार किया और आप सब इस कार्यक्रम को सजाने के लिए आए हैं। ये ऋण है आप लोगों का हम पर, जिसको कभी ना कभी चचा हमारे बैठे हैं चुकाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। तो तैरते गए आगे और देव बने पछुआ, तो आधार रूपी हरि बन गए पछुआ। नीलम जी, पहला कछुआ कैसे? जैसे बिछुआ वैसे ही कछुआ, कछुआ बिल्कुल मिलाने का प्रयास किया है। सवाब उठे। और दूसरा कछुआ देखिए, एक बड़ा स्नेह भरा पुरस्कार और सम्मानी भैया हमारे शंभू हलकर जी, आपकी तरफ से 51 मुद्राएं हैं इस गीत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह। और ये 101 मुद्राएं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सम्मानी एक बहुत सुरीले कलाकार हमारे परिवार के शान है आदरणीय भैया हमारे मुकेश मधुल जी, जिनके कंठ में सच में मां सरस्वती विराजमान है। आपने हमारे चचा के नाम से पुरस्कार दिया है, चचा श्री लाल चंद दीक्षित जी। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, जो कि आप गुरु हैं, चचा उनके गुरु हैं, तो इस नाते हमारे भी गुरु से कम नहीं है आप। मैं आशीर्वाद चाह रही हूँ आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। लड़का अपना ही है। दूसरा पुरस्कार चलिए, दूसरा प्रसंग चलिए। ये छोटा भैया भानु की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार है इसके लिए भी। टोचिंग ना करना, टोचिंग ना करना बेटा। हाँ, हरचंदपुर पहुंच जाओगे, ध्यान रखना। नीलम जी, दूसरा प्रसंग सुनिए। विरोधियों का भी पुरस्कार आ रहा है। और क्या, इतना अच्छा तो हम गाते नहीं। 501 मुद्राएं। और ये पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो सत्य मानिए कलाकारों को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया है, चाहे वो यूपी का कलाकार हो, चाहे एमपी का कलाकार हो। हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष भैया हमारे श्री देवेंद्र तिवारी जी और पप्पू भैया जी, आपने कलाकारों को सर आंखों पर बिठाया है। अपने तमाम नुकसान करके भी आप कार्यक्रम को सजाते हैं, बनाते हैं, अपना धन लगाते हैं। क्या बात। और तमाम ऐसे कलाकार जिनको आप रोजी रोटी समझ लीजिए देने का प्रयास कर रहे हैं। सही। तो मैं समझ रही हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम हैं कीर्तन जगत में। परमात्मा आपको हमेशा बनाए रहे और इसी तरह आप इस क्षेत्र में लगे रहे। 501 मुद्राएं भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोले ना बोले, आपको चैन नहीं, इसी बात की हलचल है। अब पुरस्कार लिखवा दीजिए, कहीं बोल देंगे। हाँ, पुरस्कार बाद में। दूसरा प्रश्न सुनिए। करता हट पग जादू कहे करे, आइए आइए जगदीश भैया। क्या बात, क्या बात, आपकी कमी है, आप आए, बाहर आइए, आइए आइए आइए। स्नेह भरा पुरस्कार मेरे लिए कानपुर नगर के कुछ ऐसे मंच जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है। रावतपुर रेलवे क्रॉसिंग एक बहुत पुराना मंच जहां अच्छे अच्छे कलाकारों ने अपने कार्यक्रम दिए हैं। उस कार्यक्रम के आयोजक भैया हमारे जगदीश बाबा जी और हमारे शक्रीदी भाई टमाटर वाले सभी लोग आए हैं। आप लोग आपकी तरफ से 501 मुद्राएं मेरे लिए हैं और हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए 50-50 मुद्राएं हैं। सबको बहुत बहुत मैं हृदय से नमन कर रही हूँ। और जगदीश भैया आपके यहाँ का अनाउंसमेंट भी कर रही हूँ। आने वाली 2 तारीख को 2 नवंबर को रावतपुर रेलवे क्रॉसिंग पर आपका कार्यक्रम होना है, जिसमें 2 पार्टियां, एक पार्टी है करुणा शर्मा जी हाथरस, श्रीमती करुणा शर्मा जी हाथरस, और दूसरी है कल्पना दुबे भिंड। तो आप लोग जरूर सुनिए इस कार्यक्रम को। और ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जगदीश भैया कि कई वर्षों से आप मुझे चाह रहे हैं उस मंच पर, लेकिन मैं मिल नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं ये वादा कर रही हूँ कि अगले वर्ष आप ना भी कहें तो भी मैं आपके मंच पर गाऊंगी, क्योंकि आपने मुझसे कई बार कहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर 2 तारीख को मेरा कार्यक्रम नहीं होता तो विश्वास करिए मैं उस कार्यक्रम में जरूर रहती। धन्यवाद है आपके आने के लिए। और आप है हमारे शक्रीदी भाई टमाटर वाले, आपका भी उस कमेटी में बहुत बड़ा तन मन धन से सहयोग रहता है। इसी 2 नवंबर के कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आइए गीत को बहुत जल्दी आगे बढ़ा रही हूँ। पहला कछुआ भगवान ने मंदराचल पर्वत को रोकने का प्रयास किया तो आधार रूपी हरि बन गए कछुआ। अब दूसरी जगह देखिए मैं किसको ले रही हूँ। किसको? मांगी नाव ना केवटवाना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। अब यहाँ कहाँ कछुआ? भगवान श्री राम केवट के पास गंगा के तीर यानी घाट पर पहुंच गए। भगवान ने केवट से इस पार से उस पार जाने की बात कही तो केवट ने याद दिलाया कि हे प्रभु याद करिए, आज आपके चरणों में मैं खड़ा हूँ। तो ये केवट कह रहा है कर उद्धारी निया पग धोरे और कर दिया पार है उनको बिठा करे। तो नीलम जी के देखिए सीता और लखन विस्मित होके लगे लखन। उस नाव पर जिस पर राम जानकी लक्ष्मण बैठे हैं, भगवान को देख रहे हैं राम सीता और लक्ष्मण ये सोच रहे हैं कि मेरे प्रभु राम इस साधारण व्यक्ति केवट से अपने पैर धुला रहे, इसकी जिद पूरी कर रहे हैं। तो देखिए सीता और लखन विस्मित होके लगे लखन। भगवान श्री राम ने जब अपना ये कार्य किया उसको आशीर्वाद भी दिया तो केवट ने याद दिला दिया कि प्रभु याद करिए, यही केवट के भय भी तो हो करे शरण इसने न छुआ। तब सतयुग में जब आप क्षीर सागर में विष्णु बनकर लेते थे तो भय भी तो हो करे शरण इसने न छुआ। तो पिछले जन्म में यही कछुआ पिछले जन्म में ये केवट था कछुआ। तीसरा कछुआ सुनिए बहुत शीघ्रता में। चाचा चीटिंग नहीं चलेगी, इधर ही बैठे हो वहाँ जहाँ बैठे हो। हाँ ये चीटिंग आज अब चलने नहीं देंगे। आज एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। तीसरा कछुआ देखिए। एक बार हनुमान और अर्जुन में युद्ध होने लगा। अर्जुन कहने लगे मेरे कन्हैया बड़े हैं नाखून को तोड़कर दिखा दो। हनुमान जी ने अपना शरीर अपना भार बढ़ाया। अरे वाह, गुरु जी को प्रणाम। क्या बात, कैसे बड़े बड़े लोगों के दर्शन हो रहे हैं। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ आपको। क्या बात, जिन लोगों को लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में सुनते हैं, आज उनके दर्शन मुझे हो रहे हैं। मैं प्रणाम कर रही हूँ। देखिए, अर्जुन ने पुल बनाया, हनुमान उस पुल पर भार बढ़ाकर चढ़े। तो कर ली शर्त है ऐसी भयंकर, जो नहीं है सभा बड़े। थोड़ा सा परिचय बता दूं, जो अभी अभी यहाँ पधारे हैं। पीछे हमारे सम्मानी बाबूजी, आप हमारे बउआ भैया के गुरु जी हैं। बउआ को ढोलक आपने सिखाई है और आपको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तक लोग सुनते हैं, बड़े बड़े लोग। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या बात है? मैं हृदय से आदरणीय सम्मानी श्री हरि मोहन पांडे जी, जिनका नाम काफी है अपने आप में, तो ये मेरा सौभाग्य है आप आए हैं। धन्यवाद। तो कर ली शर्त है ऐसी भयंकर, कर से शरों से तू बना कर। और अर्जुन ने हनुमान से कहा कर दो हस्त कभी इस पर चढ़े करे, तो कर लूंगा अशोक भैया। जब हनुमान जी भार बढ़ाकर पुल पर चढ़े तो धनुधारी एक तरफ, धनुधारी गदाधारी पर बीच में फंस गए गिरधारी। एक तरफ धनुधारी यानी अर्जुन और एक तरफ गदाधारी यानी हनुमान, बीच में फंस गए गिरधारी यानी कन्हैया। कन्हैया सोच रहे मैं किसकी तरफ जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मैं तो अकेला हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं किसके लिए क्या बन जाऊं। लेकिन दोनों का मान रखने के लिए के धनुधारी गदाधारी पर बीच में फंस गए गिरधारी। और कैसे फंसे? जल में प्रवेश करे जैसे कोई मछुआ, के जल में प्रवेश करे जैसे कोई मछुआ। उस पुल के भार को रोकने के लिए के लेट गए श्याम नीचे बन करके मछुआ। दादा की तरफ से 10 मुद्राएं हैं, हृदय से नमन है। ये एक साथ ढेर सारा प्यार पुरस्कार मिल रहा है। 101 मुद्राएं इस कार्यक्रम में आए एक बहुत अच्छे आयोजक भैया हमारे अशोक कुमार त्रिवेदी जी कुशंडी खीरो। आप ग्राम प्रधान भी हैं और एडवोकेट भी हैं और एक बहुत सफल आयोजक भी हैं। आप हमारे गुरुवर दादा के नाम से हर साल खीरों में कुशंडी में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बहुत बड़ा, जिसमें यूपीएमपी के सभी कलाकार पहुंचते हैं। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ भैया का। और उन्हीं के साथी यानी दाहिने अंग भैया हमारे हरिओम द्वेदी जी, आप एक अच्छे कलाकार भी हैं, कीर्तनकार भी हैं। हरिओम भैया, आपकी तरफ से भी 101 मुद्राएं हैं और 101 मुद्राएं ये मेरे लिए पुरस्कार का आशीर्वाद ज्यादा है। पूजनीय चचा हमारे श्री लालचंद दीक्षित जी, आपके करकमलों से आशीर्वाद मिल रहा है। चचा को प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो मेहमान आ रहे हैं सबका स्वागत है मंच के माध्यम से। आइए, तीसरी बात मैंने पूरी कर दी, बहुत जल्दी गीत तो आगे बढ़ा रही हूँ। चौथी बात सुनिए। और नीलम जी आपका गाना मेरे इस गीत से ज्यादा कठिन था। आपके में बाल ब्रह्मचारी ढूंढना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरे कछुआ में आपको बहुत कुछ मिलेंगे। ये बहुत से जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी मिलेंगे, जहाँ गोते लगाएंगे आप मिल जाएगा। चौथी बात सुनिए और बताऊंगी भी नहीं, जहाँ से आपको अच्छा लगे जवाब दीजिए। कलयुग में एक ऐसा कछुआ, और यहाँ से पीछे तक में जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारी माताएं बहनें आप लोग भी जानती हैं इस कछुए को मैं कहाँ से ला रही हूँ। और निवेदन करी अगर बात अच्छी लग जाए, बहुत लोग तालियां बजाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों संकोच में रुक जाते हैं। तो मेरी चौथी पंक्ति सुनिए, अगर आपके दिल को अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। ये बात अब ये कौन है? सुनिए, एक पुस्तक बहुत बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें एक रेस लगती है, और ये रेस लगती है दो लोगों के बीच में। आप लोग ये भी जानते हैं वो दोनों कौन है, एक है खरगोश, एक है कछुआ। बात पूरी कर रही हूँ। खरगोश को लगा मैं तेज भाग लेता हूँ, मुझे आराम कर लेना चाहिए, लेकिन करता रहा है सफर वो चल कर, तो पर मलता रह गया वो सो कर। और जब कर मलता रह गया सोकर, तो इससे एक संदेश मिलता है सभी को, क्या कि आगे जाने वाला ही बन गया कछुआ। आदमी का घमंड उसको कहां से कहां ले जाता है। उस खरगोश को अपने आगे बढ़ने का घमंड हो गया, उसको लगा ये कछुआ मेरी क्या बराबरी करेगा, लेकिन उसका त्याग, उसका परिश्रम उसके काम आया। वो अपने काम में निष्ठा से लगा रहा और चलता ही रहा, तो आगे जाने वाला ही बन गया कछुआ। मेरी पंक्ति अच्छी लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आगे जाने वाला ही बन गया कछुआ, तो हारा खरगोश और जीत गया सच्चे दरबार की। हेलो, वॉल्यूम बढ़ाओ यार। टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो दो चार लोग हमारे भी सम्मान में तालियां बजा सकते हो। देखिए ये कलाकार गाएं तो भले तालियां ना बजाओ, लेकिन जब हम खड़े हो तो जरूर तालियां बजाओ, इनका कर्जा नहीं खाओ। एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्मान में होनी चाहिए। थोड़ा सा आपके चेहरे पर बहुत अच्छे सवाल जवाब हो रहे थे, बहुत अच्छा लगा। जो हमारे कीर्तन कलाकार यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, क्रांति जी ने कहा भी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो तराजू का पलड़ा वजनदार होता है वो नीचे ही रहता है, और ये वास्तव में बहुत वजनदार लोग बैठे हैं, हम लोग तो बहुत हल्के हैं। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जो भी कीर्तन कलाकार उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ, धूल के एक कण को प्रणाम करता हूँ, कण के एक परमाणु को प्रणाम करता हूँ, परमाणु के अंदर नाभिक को प्रणाम करता हूँ, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूं, आप सबको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूं। क्योंकि आजकल बड़ा टेक्निकल मामला हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। पहले का रिश्तेदार आता था, अटैची रखता था, कहता था बाबूजी के क्या हाल, माताजी के क्या हाल है, भाई साहब के क्या हाल है। लेकिन अब आपका रिश्तेदार आता, अटैची रखता, पहला सवाल करता है आपके यहाँ पतली पिन का चार्जर तो नहीं है। तो ये कितना बदल गया, मैं बताता हूँ, बहुत सब टेक्निकल। एक डॉक्टर साहब थे तो एक मरीज आया उनके पास, तो डॉक्टर ने कहा देखो सब कुछ टेक्निकल हो गया, तुमको जो भी परेशानी है वो हमको मोबाइल की भाषा में बताओ। अब उस मरीज का पेट खराब था, उसने कहा डॉक्टर साहब बार बार मिस कॉल सी लग रही है, पूरी कॉल नहीं लग रही है, और इनकमिंग तो ठीक है लेकिन आउट गोइंग में बड़ी परेशानी है। तो डॉक्टर ने कहा देखो ऐसा है तुम्हारा सेट कवरेज एरिया से बाहर हो गया, 3 SMS भेजता हूँ, अगर मिल जाए तो सुबह दोपहर शाम में मिल जाए तो हमें कॉल करके बता देना। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए कीर्तन आप लोग सुनते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन टेस्ट वही रहता है। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि जगह जगह पे जो 100 नंबर की पुलिस खड़ी है वो हमारी देन है, तो योगी जी ने कहा जगह जगह जो सांड खड़े हैं, समझ रहे हो तो तालियां बजाओ। और दोनों का काम है चरो खाओ, अगर समझ गए तो जोरदार तालियां बजाओ। बहुत कुछ टेक्निकल बदल गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां अपने पत्रकार बंधुओं के लिए कहना चाहता हूं। कुछ लोग चले गए हैं और मैं किसी को रोक नहीं सकता, चूंकि संसार का नियम ही है आवागमन। अब एक निवेदन करता हूँ भाई, हमारे बाईपास गदन खेड़ा के हमारे कहाँ थे गुरु, अभी तक पहले से आराम है, श्री गंगा चरण गदन खेड़ा बाईपास, इनसे कहते कभी मेन रोड पे आओ, हमेशा बाई के पास काहे रखते हो। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए सम्मान बजा दीजिए। इन्होंने 50 मुद्राओं से हमको अभिभूत हुआ है। गुरु जी आप तो बहुत बड़े आयोजक, कहाँ 50-50 देगो, सीधा ATM नंबर लाओ। एक बार जोरदार तालियां हमारे मैनेजर साहब के लिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि थोड़ा सा आपके चेहरों पे हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए। अभी कई नई चीजें हुई है। ये रमेश पाल है, लखनऊ से आए, डेंटल चौराहे से रहते हैं। इन्होंने जब मैं आया तो इन्होंने हमसे 500 के छुट्टे मांगे, कहा मधुप हमको 500 के टूटे लाओ, तो हमारे पास जो चिल्लर थे जोर बटोर के दिया। तो इन्होंने गिना, कहा यार गुरु ये तो 130 है, बाकी 370, हम कहा वो खत्म है। हाँ जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन कुछ लोगों को विरोध करना होता है, चाहे जितने काम अच्छे हो लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी से भी इनाम आया, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ आया तो एक आदमी लोटा लेके लैट्रिन जा रहा था, हमने उसको डांटा, हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए हैं, इतना संकल्प दिवस अभी मनाया गया, उसमें गांधी जयंती पे स्वच्छता अभियान चलाया जा, तुम लोटा लेके बाहर जा रहे हो, कहीं तुम जाओ अपना काम करो, हम विपक्ष में। तो जो विपक्ष वाले काम करते हैं, तो जैसे धारा 370 हटी, धारा 370 हटी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। 4 पंक्तियां हास्य की आपकी अदालत में पेश करता हूं, पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो 10-12 और पेश करूंगा। हाँ कोई हमारी गारंटी नहीं हम क्या कह जाए। हाँ नहीं ये बात सही, इन सब कलाकारों की गारंटी लेकिन हमारी नहीं, चूंकि ये विद्वान है लेकिन ज्ञानी हम ही। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने बापू आसाराम से पूछा, देखिए अपना अलग अलग एक नजरिया होता है। मैंने बापू आसाराम से पूछा कि धारा 370 हटने पर आपके क्या है विचार। पूरा देश कर रहा मोदी और शाह की जय जयकार, सभी के मन में छाया हर्षोल्लास, पर आप क्यों दिख रहे उदास। बापू ने कहा मैं भी नाचता गाता और हर्षाता, या 370 की जगह 376 हट जाता। तो ये अपना अपना टेस्ट है। कुछ लोग चाह रहे हैं, यहाँ भी बैठे हैं कि 376 हट जाए। हमारे तिवारी जी आपको गुरु क्या कहें हम, आपके सम्मान में हमारे शब्द बौने हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नदियों में भागीरथी हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं जलचरों में मगरमच्छ हूँ और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। और लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैंडसम मैं देवेंद्र तिवारी हूँ। और अगर ढोल वादकों की बात की जाए तो बउआ पांडे हूँ। ये सारे लोग हैं। हमारे आदरणीय दीक्षित जी बैठे, इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। आशीर्वाद जिनको देते हैं वो वास्तव में देश में बड़ा नाम करते, लेकिन हमारे यहाँ एक गुरु हो जिसको आशीर्वाद देते उसकी रीढ़ की हड्डी ही गायब हो जाती है। तो हम तो आशीर्वाद लेने बंद कर दिया। तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सारा बहुत कुछ अच्छा लग रहा। चार पंक्तियाँ, चूँकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, 1.5 घंटा क्रांति जी ले चुकी हैं ऑलरेडी। हाँ, अब समय किसी के पास है नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूँ जो हमारे कीर्तन कलाकार आए हुए हैं सुदूर क्षेत्रों से, इनको हमारी मातृशक्तियाँ, इनको नमन करता हूँ। एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूँ, क्रांतिमाला जी और कमेटी है इसकी महामंत्री, एक बार इसके लिए भी तालियाँ हो जाए। हाँ, महामंत्री ये है, अब शर्मा जी पता नहीं क्या महामंत्रा। नहीं, ये तो हो जाता। अरे गुरु तिवारी जी, आप तो बहुत अच्छे मध्य प्रदेश से कीर्तन जगत में एक प्रकाश फैला रहे हैं। एक बार तिवारी जी एक बारात में डांस कर रहे थे तो इन्होंने हमसे कहा, मधुप हमारा डांस कैसा लगा? हमने कहा, गुरुजी नागिन डांस तो बहुत देखा लेकिन अजगर डांस पहली बार देख रहा हूँ। जोरदार तालियां बजाइए। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई आदरणीय नीलम जी को। लेकिन चार पंक्तियाँ आज की विसंगतियों पे। अच्छा, तीनों लोग एक में निपटा दी हो? GST काट के दे रहे हो क्या? ये तीनों चलिए कोई बात नहीं। लेखपाल जी ने और शर्मा जी ने, तिवारी जी ने, यानी त्रिमूर्तियों ने एक साथ दे दिया। लेखपाल जी के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते चूंकि आज के आयोजक हमारा लिफाफा फंस सकता है। लेकिन इतना बता दूं, इतना बता देना चाहता हूँ, हमारे रायबरेली में एक लेखपाल थे, उनको एक कुत्ते ने दौड़ा लिया। बेचारे गांव में भागते रहे, चबूतरे पे चढ़ गए, कुत्ता भौंकता रहा। लेखपाल ने कहा, ससुर दास, अगर तुम्हारे नाम एक को बिसवा पट्टा होता, समझ रहे हो, तो तालियां बजाओ। हाँ, थोड़ा सा 15 दिन का टाइम देता हूँ, जब समझ में आए तब तालियां बजाओ। कुछ लोगों को बहुत देर में समझ में आता। अभी मैं वहाँ बस्ती जिले में था, कार्यक्रम कवि सम्मेलन में, जैसे माइक पे खड़ा हुआ, एक ताली बजाने लगा। हमने कहा, गुरुजी एडवांस में काहे ताली बजा रहे हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो उन्होंने कहा, ऐसा जो पिछले साल आपने कविता पढ़ी है वो अब समझ में आई, तो तालियां बजा रहा हूँ। मैंने कहा, बहुत जल्दी समझ गए। तो चार पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहता और बुलाना चाहता हूँ आज की विसंगतियों के लिए कि नागफनियों के बगीचे फल रहे हैं। आदरणीय दीक्षित जी, आपके चरणों में संप्रेषित करता हूँ। ये इतनी अच्छी हिंदी इसलिए बोल दिया ताकि आप समझ जाओ भले घर में पैदा हुआ। नागफनियों के बगीचे फल रहे हैं, आम के वृक्षों पे आरे चल रहे हैं, और हंस अभिशापित है अंधेरा झेलने को, उल्लुओं के घर में हैलोजन जल रहे हैं। जोरदार तालियां मैं आमंत्रित करता हूं। भाई मध्य प्रदेश से पधारी हुई आदरणीय वंदनीय अर्चनीय सुश्री नीलम विश्वकर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां मैं मांग। तालियां भाई बहुत कमजोर बज रहे हो, इतने में इतनी तालियों में हमारे लोगों के बाल बच्चे नहीं पलेंगे। तरस खाओ कम से कम शुक्लागंज के श्रोताओं। तालियां थोड़ा सा घनीभूत करिए। मैं एक बार पुनः तालियों का आमंत्रण देता हूँ सुश्री नीलम विश्वकर्मा जी। धन्यवाद। लोगों ने सम्मानीय भाभी जी को ओहो सुना बेटा, सुंदर जवाब। सम्मानीय भाभी जी, प्रथम चक्र में काफी समय होता है, बिल्कुल समय काफी था, फिर भी आपने कहा कि आप मैंने पूरा जवाब आपका गीत नोट नहीं किया है। आदरणीय भाभी जी, गीत आपने नोट नहीं किया है, ये आपने तर्क दिया है। ये गीत आपके सामने कई बार आ चुका है। बिल्कुल बेटा, कई बार गीत आया है और उसमें तमाम विधाएं लगी थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तमाम विधाएं लगी थी। आपने कहा द्रौपदी, सम्मानीय भाभी जी मैंने द्रौपदी को नहीं कहा। समन हो कैसे ये शंकाएं, कहलाई जो पंच कन्याएं, पांचों कन्याओं को लिया था और आपने दिखाया तारा मंदोदरी या पंच कन्याएं में से ये अलग है। ये सुना करो, सदा संग रहती नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी, नहीं बंधन कोई पत्नी के और पत्नी के हैं वो पत्नी के। ये कहना है वर्णी के, वर्णी के हैं वो वर्णी के। भैया इसका वॉल्यूम बढ़ाएं। क्या बात है, बढ़ चुका है। पूर्ण है अरमा हर घरनी के, घरनी के हैं वो घरनी के। अंतिम बंधु यहाँ कह रही थी क्या कहने हैं करनी के, करनी के हैं वो करनी के। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। तमाम बातें थी लेकिन जवाब आया है क्या? बने फिर भी नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी, बने नारी फिर महतारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। तमाम बातें। अरे ना कहो कुछ। अंत में लाए हैं आप तारा और मंदोदरी, ये पंच कन्याओं से अलग है। तमाम बातें थी सम्मानीय भाभी जी। आइए, बहुत सुंदर गीत आया है। क्या बात है, जबकि आप जानती हैं कि आपका गीत कितना मजबूत है, वो भी 4 युगों में ही। क्या बात है, और दूसरे चक्र में समय कितना मिलता है। पूर्ण कर रही हूँ आपके सुंदर से गीत को। बहुत बढ़िया। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या क्या गाया? किसना कछुए को दिखाया है, क्योंकि समय को देखते हुए आपके गीत को ना दोहराकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि सवाल आप लोगों ने सुना है, सीधा जवाब की ओर चल रही हूँ। सुंदर गीत आया है, जब आपने कछुआ लिया है। दिल में है प्यार होठों पे गितवा, और झूठ बोले जो उसे काट खाये बिछवा। तो आपने लिया है कछुआ। आइएगा, मैं क्या ले रही हूँ। क्या बात है, मान सरोवर में कथा कह रहे हैं। क्या बात है, कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं काग भुसुंड जी और गरुड़ जी। क्या बात है, तो कहना पड़ा। कैलाश ऊपर और अनुज अग्रज अनुज इधर आदरणीय भाभी जी राम कथा कहता मन को लगा कर तो सुनते पक्षी जहाना मनुज कथा हो रही है लेकिन पक्षियों के बीच में कि सुनते पक्षी जहाना मनुज सभी बराबर ना अनुज कोई बड़ा है ना छोटा है तो सुनते पक्षी जहाना मनुज बराबर सभी ना ही अनुज कथा कहे पक्षी कैसा है ये हुआ क्या बात है कथा कहे पक्षी तो कैसा है हवा हरि की कथा यहाँ कहता है कछुआ नहीं है यहाँ हरि की कथा कहता है कौवा। अरे आप लोगों का स्नेह है और हमारा सौभाग्य कि इतने अच्छे अच्छे श्रोता आज हम लोगों को सुन रहे हैं। क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया। अरे जवाब पंक्तियां आपको प्रसन्न होकर हमारे माननीय सम्मानित बड़े भैया भैया श्री अशोक त्रिवेदी जी आपके करकमलों से आपके तकरबलों से एक से पत्र मुद्राएं भेंट हैं। एक से पत्र मुद्राएं हमारे सम्मानित भैया हरिओम द्वेदी जी की ओर से भेंट हैं। एक से पत्र मुद्राएं हमारे भैया और ये हमारे लिए आशीर्वाद है और इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। सम्मानित हमारे गुरुवर आपकी ओर से एक से पत्र मुद्राएं भेंट हैं और एक से पत्र मुद्राएं हमारे बड़े भैया श्री शंभू बलकर जी जो अच्छे कीर्तनकार हैं इनसे हमने सीखा है। और एक से पत्र मुद्राएं हमारे भैया अजय अनुरागी जी आपकी ओर से भेंट हैं। अरे हमारे माननीय सम्माननीय बड़े भैया श्री लख भैया और सुरेश भैया साहू बाबा जी की ओर से ये 500 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट है। मैं चाहूंगी एक बार दोनों हाथों से जोरदार करतल धुरी होनी चाहिए। अरे क्या बात है। शमानी एक सूचना के साथ दिनांक 2 नवंबर 2019 दिन शनिवार यहाँ कार्यक्रम होना है स्थान बिग बाजार के सामने रावतपुर क्रॉसिंग सर्वोदय नगर कानपुर। आयोजक है जिसमें भैया श्री जगदीश बाबा प्रेम चंद्र गौतम परशुराम कुशवाहा जी जिसमें पार्टियां हैं श्रीमती कल्पना दुबे भिंड मध्य प्रदेश और दूसरी पार्टी श्रीमती करुणा शर्मा हाथरस उत्तर प्रदेश। आपके कर्मों से 200 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। आइए और इसी श्रृंखला में हमारे भैया श्री लोधेश्वर हार्डवेयर भुल्ली दादा शुक्लागंज आपके कर्मों से 51 पत्र मुद्राएं हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे भैया पंकज हार्डवेयर सतलायर शुक्लागंज आपके करकमलों से 51 पत्र मुद्राएं भेंट है। आजीवन आशीर्वाद की कामना है। और इसी श्रृंखला में हमारे भैया श्री मुन्ना यादव जी आराधना यादव जी भैया श्री लल्ला सिंह सौजन्य से गीता यादव जी आपके करकमलों से 151 पत्र मुद्राएं भेंट है। आइए जवाब सुनिएगा। हेलो कि सुनते हैं पक्षी जहाँ ना मनुज जहाँ बराबर सभी अनुज सुनते पक्षी जहाँ ना मनुज सभी बराबर ना ही अनुज कथा कहे पक्षी सभी कैसा है हुआ, कथा कहे पक्षी सभी कैसा है हुआ। तो हरि की कथा यहाँ कहता है भगवान श्री राम माता जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। अचानक ये बेटा इंद्र का पुत्र प्रभु श्री राम जब माता जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। रचना कार की रचना मनोहर सजाते हैं सजनी राम मनोहर जो सजा रहे हैं। ब्रह्म पस्त भूला उधर पर भैया मानस ने भी इशारा कर दिया। शंभू भैया सीता चरण चोज हत भागा मति बंद का पूरक कागा। जब ये इशारा कर दिया तो कहना पड़ा ब्रह्म पस्त भूला है करोड़ा को है पापी द्रोही धनुज को है पापी द्रोही धनुज कर सकता ना कोई मनुज। ये काम कोई मनुज नहीं कर सकता। तो सोच रहे को है पापी द्रोही धनुज कर सकता ना कोई मनुज। काम कर गया वो इंद्र का छुआ इंद्र का लड़का जय काम कर गया है वो इंद्र का छुआ। पीछे बाढ़ रघुवर का आगे भगे कौआ। भगवान श्री राम ने एक बार चलाया और आगे आगे भाग रहा है जो जयंत जो काग के रूप में। तो कहना पड़ा पीछे बाढ़ रघुवर का आगे आएगा बहुत शीघ्रता के गौर से। आपने बताया कछुआ आइए तो आपको उनमें एक मिला एक बात मिला तो कहना पड़ा क्या लीला रची लीला कर सके जो गए हरि कर बड़ा वर्णन करे हम कैसे पाए करे। हम भी इतनी क्षमता नहीं है। वर्णन करे हम कैसे पाए चीज है तो कहना पड़ा क्या बलदाऊ जी के भाई अनुज, बलदाऊ के भाई अनुज तो आंगन खेले जैसे मनुज। बलदाऊ के भाई अनुज खाते आंगन जैसे मनुज। आंगन बीच में खा रहे हैं तो कहना पड़ा क्या आनंद लेते अंगना, आनंद लेते अंगना यशोदा के छुआ को, आनंद लेते अंगना यशोदा के छुआ। आधा खाए थे हम और आधा खाए थे हुआ, आधा खाए थे हम और कन्हैया को जूठन गिरा रहे हैं, भीन भीन कर खा रहे हैं कौआ। क्या बात है महाराज, तो कहना पड़ा क्या आधा खाए थे हम और आधा खाए कौआ। एक और पात्र दे रही है, कुछ पीछे चलिए क्योंकि अभी वो चल रहे थे। सभी लोग जानते हैं कुछ समय पहले तरपर का योग चल रहा था। जब चल रहा था तो कहना पड़ा क्या गया जी में जो भी पिंडदान करने जाता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो कहना पड़ा मानिए भाभी जी पिंडदान आए जो, पिंडदान आए जो गया कर, पिंडदान जाकर गया जी में कर देता है तो होता क्या क्या पिंडदान आए जो गया कर जाते हैं पुरखा हमारे वहां पर। होता है पुरखा हमारे तार तक हो जाता, तो कहना पड़ा कराए मनुज करता मनुज कोई है देवता कोई कनुज। कराए मनुज वो करता मनुज तो कोई है देवता कोई कनुज। कुछ खाए वहां पर देखो पूजवा, कुछ पुजारी खा जाते हैं तो कुछ खाए जाए वहां पर पूजवा। शेष पिंड पाए तो खुश हो कौआ, तो कौए खा जाते हैं तो कहते हैं हमारे पूर्वज खुश हो गए।